जो बोल तो नहीं रहोगे हम लोग क्या करेंगे ना कि अपने 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 कॉपी पे अपना अपना लिखना शुरू किया है बहुत अच्छा जो कुछ भी आपको ध्यान में आता है उसको लिख के ये आपकी नोटबुक है आपके पास दे रखी है ठीक है इसके अंदर जितना भी आप लोग कुछ भी ध्यान में आता है जहाँ लिखा हुआ वो भी और अपने मन में आता है अब हम लोग इसके साथ में जो रोज रोज आपको कुछ होमवर्क मिलेगा छोटा सा होमवर्क मिलेगा तो वो होमवर्क है ना उसको अपनी अपनी एक फाइल बनाएंगे ये वाली जो शीट है कलर वाली ना प्लेन वाली ये आपके फाइल में सबसे ऊपर रहेगी इसमें आपको क्या क्या लिखना है एक तो अपना नाम लिखना है ना अपने स्कूल का नाम वो लिखना है अपने बारे में कुछ लिखना है इसमें अपने बारे में और अगर आपको अपना स्केच बनाना है कौन ड्राइंग करता है कौन कौन ड्राइंग करता है बहुत अच्छा बहुत अच्छी बात है तो जो लोग भी ड्राइंग करते हैं हम सब अपना फेस बना सकते हैं कोई बात नहीं फोटो भी निकाल सकते हैं लेकिन उसके इतना मजा नहीं आएगा आपके जो वर्कबुक है ना ये जो अभ्यास पुस्तिका है ये आपकी अभ्यास पुस्तिका है जिसके अंदर आपको अपना नाम और अपना फेस अपना अगर परिवार का लेकिन ये आपका असाइनमेंट है इसको आपको इसमें भरना है और ये जब भर जाता है तो इसके पीछे भी लिख सकते हैं और इस वाले शीट के ऊपर भी लिख सकते हैं तो रोज रोज हम लोग दो तीन पेजेस लिखेंगे कुछ बनाएंगे कुछ डायग्राम बनाएंगे कुछ चित्र बनाएंगे है ना और फिर हमारी वर्कबुक बनाएंगे तो ये आपकी वर्कबुक का ना सबके पास में हो गया अब इसको संभाल के रखना है और अपने भाई बहन और माता पिता जो और बड़े मम्मी पापा है उनके साथ में शेयर करना चाहे तो जरूर उनके साथ में चर्चा करें क्योंकि रजनी आपकी किताब है आज का जो असाइनमेंट है उसके बारे में बता देता हूँ तो ये सीट आपको मिला इसका देखेंगे व्हाइट पेन वाली शीट को सबसे ऊपर करना है आपको इसका लेखन तो सबसे ऊपर आपके लिखा गया है आपका नाम आपकी कक्षा और आपके स्कूल का नाम तो तीन बातों को लिखने में कोई कठिनाई नहीं किसी को उसके बाद लिखा गया है कि पांच बिंदु जिन पर आपकी चर्चा में चर्चा से ध्यान दिया क्या समझा है आपने प्राथमिकता के क्रम में जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है उसे पहले तो जैसे पांच बातें जो आपको आज समझनी है उसमें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात लगती है उसको एक नंबर पर रखिए जैसे आप लोग बता रहे थे माने नहीं जाते समझ समझ सुविधा ध्यान में आएगी पांच चीजों का उल्लेख करें जो आपको सुखी करते हैं निरंतर सुखी करते हैं जो भी तो हम लोग सुबह चर्चा कर रहे थे ये आपको सुखी करता है ये दुखी करता है कई बार चर्चा किए थे तो वही पांच उदाहरण है तो जैसे दो ही लाइन में लिखते पांच उदाहरण है तो हो सकता है एक ही उदाहरण में भर जाए तो इसलिए आपको जो दूसरी वाली सीट दी गई है ना जो कलरफुल लाइन वाली है उसमें फिर आप उसको आगे बढ़ाते ऐसे अगला बिंदु देखेंगे तो उसमें लिखा है कि तीन ही पांच चीजों का उल्लेख करें जिनसे आप दुखी महसूस करें तो बात ये थी सारी चीजें घटना हुआ था कि भाई गलती हमने नहीं की फिर भी डांट पड़ गई गलती हमने की दीदी को डांट पड़ गई है ऐसे बहुत सारी बातें चर्चा की थी हम लोगों ने तो उन्हीं सब बातों को यहाँ
अगला जो लास्ट वाला बना हुआ है वो एक टेबल बना हुआ है लास्ट में लिखा वर्तमान की पांच समस्याएं जिन्हें आप देख पा रहे हैं या आपका ध्यान जा रहा है गंभीरता और प्रभाव के क्रम में जो आपको सबसे महत्वपूर्ण लगता है उसे पहले लिखें जैसे आप देखें आप उसे कहते हैं टीवी देखते कितने लोग टीवी में न्यूज देखते रात में पापा आते को देखना पड़ता है तो जैसे आप न्यूज में देखते हो बहुत सारी समस्याएं दिखाते हैं अखबार कितने लोग पढ़ते न्यूज पेपर उस पर भी बहुत सारी समस्याएं आप लोग देखते हो आपके मोहल्ले में बड़े बुजुर्ग लोग भी बैठ के बहुत सारी समस्याओं पर बात करते होंगे घर में भी बहुत सारी समस्याओं पर चर्चा होता होगा आप लोग भी आपस में बैठकर दोस्तों के साथ लंच पे बहुत सारी चर्चा करते होंगे स्कूल में भी बहुत सारी समस्याएं सब में आती होगी तो जो भी समस्याएं आपको अपने स्कूल में दोस्तों में समाज में प्रकृति में टीवी में अखबार में जो भी दिखाई देती है उनमें से जो पांच बड़ी समस्याएं आपको लगती है ये समस्याएं ज्यादा उनको हल तो उनके जो भी समस्या जैसे कि कहते हैं ना कि एक तरह से धरती पे जो है युद्ध होती है युद्ध के खतरा बढ़ता जा रहा है ये समस्या कोई कह रहा है कि आप लोगों ने नाम सुना होगा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है सूरज धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है ये समस्या आतंकवाद बढ़ता जा रहा है एक समस्या परिवार टूट फूट के छोटे होते जा रहे हैं एक समय था कि 20-25 लोगों का परिवार आम बात थी आज के दिन लगता है कि भाई विचित्र बात है लेकिन देखें तो पहले गाँव में लगभग सारे परिवार 20-25-30-40-50 लोगों के होते तो परिवार टूटते जा रहे हैं ये समस्या है आपका जो बैग वो लाते हो ना बैग किताबों वाला उसका साइज बढ़ता जा रहा है ये भी एक समस्या हो सकता है उस पर किताबों की संख्या बढ़ती जा रही है भोजन बढ़ता जा रहा है समस्या है नहीं खेलने का समय क्लास बढ़ने के साथ कम होता जा रहा है बढ़ता जा रहा है ये समस्या है क्या ये समस्या हो सकती है कुछ लोगों के लिए जैसे आप देखेंगे कि जब पांचवी क्लास में पढ़ते होंगे चौथी में पढ़ते होंगे तब आपके कितने दोस्त थे और आज कितने दोस्त हैं दोस्त पढ़ रहे हैं चल रहे हैं समझ में आ रहा है बढ़ रहे हैं कितने लोग कह रहे हैं घट रहे हैं कितने लोग कह रहे हैं तो उसको भी देख लें है ना तो इस तरह से आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी समस्याएं हैं अच्छा ये भी ध्यान देंगे जैसे आप पांच में पढ़ते थे या छह में पढ़ते थे तो जब आप किताब पढ़ते थे तो उसमें कितनी बार पढ़ के सीधे सीधे समझ में आ जाती थी अब कितना सीधे सीधे समझ में आता है इस तरह से आप देखेंगे तो अपने बारे में परिवार के बारे में दोस्तों के बारे में स्कूल के बारे में कॉलेज के बारे में बहुत सारी समस्याएं आपको दिखाई आएंगी उनको इसमें लिस्ट करके कोई पांच है लेकिन पांच से अधिक भी आप लिखना चाहते हैं तो जो वर्कशीट आपको मिली हुई है तो लाइन वाली उस पर लिख सकते साथ में देखेंगे तो अगले कॉलम में लिखा हुआ है कि जो समस्या आप देख रहे हैं आपके हिसाब से उसका मुख्य कारण क्या है जैसे बहुत लोग कहते हैं गरीबी बहुत समस्या है पूछेंगे तो उसका मुख्य कारण क्या बताएंगे कि जनसंख्या घटी तो बहुत बढ़ गई लोग ज्यादा हो गए तो कोई लोग कह सकते हैं कि ये उसका मूल कारण है फिर आपके हिसाब से उसका समाधान क्या हो सकता है जो समस्या का मूल कारण आपको समस्या है आपको क्या लगता है क्या किया गया तो ये समस्या हल हो सकती है तो ये सब आप देखेंगे ना इसके आपके नंबर नहीं मिलेंगे कॉपी चेक करके नंबर भी दिखाया जाएगा किसी किसी को आपको यदि कहा जाएगा इस बच्चे ने खराब लिखा है इसने बहुत अच्छा लिखा है इसके नाम पे ताली बजाओ इसको डांटो ऐसा कुछ नहीं ये सिर्फ चुपचाप हम लोग जिससे हम लोग को पता लगेगा कि आप लोग जब 10 साल बाद अपनी पढ़ाई पूरी करके है ना तो भैया कह रहे थे ना कि नौकरी में आएंगे नौकरी में आने में पैसे तो आते ही आते हैं तो भैया कह रहे थे जिम्मेदारियां भी बहुत आती हैं तो जिम्मेदारियां कौन सी आती हैं इन समस्याओं को ही दूर जो समस्याएं आप लिखेंगे उन्हीं समस्याओं को आगे बढ़े होते दूर करना है नहीं 15 साल बाद 20 साल बाद इन समस्याओं को कौन दूर करेगा आप ही लोग दूर करेंगे ना तो उस दृष्टि से
ये सब आप लोगों के ध्यान में आ गया इस आशय से हम सब लोग इसमें ये आशय नहीं है कि ये आपका नंबर मिलेंगे इस पर आपको अवार्ड मिलेगा पनिशमेंट मिलेगा इसलिए फ्री होकर लिख सकते हैं बिना घबराए हुए ठीक तो ये की मंशी की बात है हम लोग 20 मिनट का ब्रेक करेंगे ब्रेक के बाद वापस 3:50 मिनट